इन दिनों यूक्रेन पर रशिया के हमले लगातार जारी हैं, जिसके बीच भारत सरकार वहां मौजूद अपने नागरिकों को निकालने की लगातार कोशिश कर रही है। इन नागरिकों में ज्यादातर संख्या छात्रों की है जो वहां मेडिकल की पढ़ाई करने गए हुए हैं। इसलिए कई लोगों के मन में ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर यूक्रेन में ऐसा क्या है कि वहां इतनी बड़ी संख्या में भारतीय छात्र मेडिकल की पढ़ाई करने जाते हैं। तो आइए आपको विस्तार से समझाते हैं कि इसके पीछे कारण है क्या। दरअसल हमारे देश में मेडिकल की पढ़ाई करना काफी मुश्किल भी है, साथ ही बहुत ज्यादा महंगा भी। भारत में मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए छात्रों को नीट की परीक्षा देनी होती है। देश में हर साल औसतन 15 लाख छात्र नीट की परीक्षा देते हैं, जिनमें से लगभग 7.5 लाख छात्र ही इसमें पास हो पाते हैं, यानी नीट का पासिंग परसेंटेज 50% के आसपास होता है। अगर इसे दूसरे शब्दों में कहें तो देश में हर साल 7.5 लाख छात्र नीट की परीक्षा में फेल हो जाते हैं, जिस वजह से उन्हें मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन नहीं मिल पाता। लेकिन जो छात्र नीट की परीक्षा में पास हो जाते हैं, उनकी मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। दरअसल हमारे देश के सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में कुल मिलाकर 1,10,000 सीट्स मौजूद हैं, यानी नीट की परीक्षा में पास तो 7.5 लाख छात्र होते हैं, लेकिन दाखिला सिर्फ 1,10,000 बच्चों को ही मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि देश में हर साल लगभग 14 लाख छात्र मेडिकल कॉलेजों में दाखिला नहीं ले पाते। तो अब आप ही सोचिए कि डॉक्टर बनने का सपना पाले ये छात्र आखिर जाएंगे कहाँ, क्योंकि इन्हें तो मेडिकल की पढ़ाई करनी है। इसलिए ये छात्र यूक्रेन जैसे देशों का रुख करते हैं, जिसके पीछे फीस भी एक बड़ी वजह है। चलिए आपको बताते हैं कि हमारे देश में मेडिकल की पढ़ाई में आखिर खर्च कितना आता है। दरअसल भारत के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में MBBS की पढ़ाई का एक साल का खर्च लगभग 3 लाख रुपये है, जबकि प्राइवेट कॉलेजों में एक साल का यही खर्च औसतन 20 लाख रुपए है। ऊपर से प्राइवेट कॉलेजों में छात्रों के माता पिता को डोनेशन भी देनी पड़ती है, और वो भी लाखों रुपए में होती है। कुल मिलाकर देखें तो भारत के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में MBBS की 5 साल की पढ़ाई का खर्च लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास आता है, जबकि यूक्रेन में यही खर्च सिर्फ 35 लाख रुपए है। इसका मतलब साफ है कि भारत में मेडिकल की पढ़ाई करना मुश्किल तो है ही, उससे भी कहीं ज्यादा महंगा। जबकि यूक्रेन में हमारे देश के छात्र कम खर्च में MBBS और मेडिकल की दूसरी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं, जिसके बाद पढ़ाई पूरी होने के बाद उनके लिए भारत आकर प्रैक्टिस करना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। इसके लिए उन्हें सिर्फ एक परीक्षा देनी होती है, जिसे फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन यानी कि FMGE कहते हैं। इस परीक्षा को पास करने के बाद यूक्रेन में पढ़ने वाले भारतीय छात्र भारत में आसानी से काम कर पाते हैं। तो देखा आपने, हमारे देश में मेडिकल की पढ़ाई करना इतना मुश्किल और महंगा है, इसलिए छात्र यूक्रेन का रुख करते हैं। इस बार छात्रों का यूक्रेन जाना किसी भयानक सपने से कम साबित नहीं हुआ, साथ ही हजारों छात्रों का भविष्य भी अंधकार में लटक गया है, क्योंकि हजारों छात्रों की पढ़ाई युद्ध की वजह से बीच में ही रुक गई है। अब इन छात्रों के आगे एक तरफ अपनी पढ़ाई की चिंता है तो दूसरी तरफ अपनी जिंदगी को बचाने की। तो आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए JJN News। नमस्कार।